पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ऑन ट्यूसडे मेट दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इन तिहाड़ जेल. The meeting is Mann's second meeting with Kejriwal, who is lodged in the jail. Following his meeting with Kejriwal, Mann has said Kejriwal's health is fine and that he is receiving insulin. Mann said Kejriwal has asked the people to vote and to save the constitution. Tihar jail mein hamare national convener aur दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को मिलके आया हूं. सबसे पहले परिवार की बातें हुई. मेरी बेटी नियामत जो के अभी एक महीने की हुई है, उसका हालचाल पूछा कैसी है वो. उसके बाद पंजाब के लोगों की, किसानों की फसल क्योंकि इस बार मंडियों में अब आ रही है, तो उन्होंने पूछा कि पैदावार कैसी है इस बार, और जो किसानों का जो डायरेक्ट जो ट्रांसफर है पैसे की, जो सीसीएल की फसल का पैसा, उसमें कोई बाधा तो नहीं आ रही, या कोई चुनाव आचार संहिता की वजह से पंजाब में कोई ऐसी सहूलत जो रोक ली हो. मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं है, निरंतर सुविधाएं चल रही हैं, बिजली भी फ्री चल रही है, मंडियों में एक एक दाना जो गेहूं का आएगा वो हम रिकॉर्ड पैदावार करके 130 लाख मीट्रिक टन देश के सेंट्रल पूल में दे रहे हैं, और पैसे भी उसी दिन ट्रांसफर हो रहे हैं, और जो हाड़ी बोलते हैं पंजाबी में इसको, तो ये गेहूं का सीजन जो है वो अभी चरम सीमा पे है. दो चार दिन में जो ये जो सीजन है खत्म हो जाएगा. और सबसे बड़ी बात जो आज मैं आपको बतानी चाहता हूं, जो मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताई कि आज ही रिजल्ट आए हैं, पंजाब में सरकारी स्कूल के 158 बच्चों ने, 158 सरकारी स्कूलों के 158 बच्चों ने जेई का परिणाम जो मेन होता है वो पास कर लिया. ये पहली बार हुआ है. इस पर अरविंद केजरीवाल जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा यही शिक्षा क्रांति हमारे सपनों में थी. उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से सभी सरकारी अध्यापकों को और जो 158 बच्चे जिन्होंने जेई क्लियर किया, उनके माता पिता को, उनके पेरेंट्स को मेरी तरफ से बधाई देना. तो ये पहली बार हुआ है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों ने जेईई का परिणाम क्लियर किया, और ये हमारा सपना सच होने वाली बात है. और उन्होंने दिल्ली के बारे में और देश के बारे में पूछा. मैंने कहा जी मैं गुजरात होके आया हूं, भरूच और भावनगर, माइंड ब्लोइंग रिस्पांस है, और लोग पूरे देश के लोग ये कह रहे हैं कि ये गलत किया अरविंद केजरीवाल के साथ, कि उनको पकड़ के अंदर कर दिया. शायद ये सोचते होंगे एक बंदे को अंदर करके हम पार्टी की आवाज बंद कर देंगे, लेकिन आपकी आवाज सर वो व्यक्तिगत तौर पे तो आपको अंदर कर सकते हैं, लेकिन आपकी सोच को अंदर नहीं कर सकते. तो हम असम में भी गया, उन्होंने मुझे कहा कि दिल्ली भी आना, और दिल्ली के जो प्रचारक हैं उनको पंजाब में भी लेके जाना है, और कहीं भी इंडिया गठबंधन का कोई, हमारा पार्टी का कोई नेता, अगर वो असम हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, यहीं भी वो बुलाएं, हमने जाना है. ये चुनाव जो है ये जीतने हारने वाला चुनाव नहीं है, ये संविधान को बचाने वाला और लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव.